सर, कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र के नाम से 100 रुपये 200 रुपये मांगे जाते हैं, तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि आपने आज मुझे बताया कि जन्म प्रमाण पत्र पैसे मांगे जाते हैं, तो इस संबंध में मैं अभी जांच करा करके और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। सुनील, अच्छा, कहाँ से आए हैं, चेन्नई क्या समस्या है? ऑनलाइन करवाया मैं प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र? अच्छा, तो क्या है, नहीं मिला, नहीं अब बना? नहीं मिला, 10-12 दिन हो 10-12 दिन हो गए। पैसे ऐसे लगे क्या? गए। हाँ, कितने पैसे लगे तीन हैं? सौ बारह 312। 312। अच्छा, इसकी शिकायत की आपने कहीं? ठीक है। मैं तुम्हारा विपिन कुमार, कहाँ से आए हैं, पुरैनी से। क्या समस्या है? आज जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाया था तो कुछ पैसे भी लिए थे, 156 रुपये, और बोले थे 8 दिन बाद आना। कितने पैसे लिए थे? 156 रुपये, 156 और रुपये स्टाम्प में भी लग गए थे 90 रुपये। कह रहे थे स्टाम्प लेक बनवा के लाओ, कहाँ से आए आप? पुरैनी से। अच्छा, और कह रहे थे 8 दिन में आना, 8 दिन बाद आए हैं तो कह रहे कहीं हमीरपुर में है, कहीं कहीं है, 2-4 दिन बाद आना। वैसे किराया लगा के थोड़ी बार बार रास्ते देंगे। इसकी शिकायत किसी को की है आपने नहीं पैसे की की? नहीं की है। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? सुमित कुमार। कहाँ से आए हैं भाई साहब? पुरैनी से आए हैं। क्या समस्या है? 11 जनवरी मतलब फरवरी को हुई थी डिलीवरी, और जब से मतलब आज 4 मार्च है, बराबर आ रहे हैं, मतलब अगली सप्ताह आ जाओ, बुधवार को आ जाओ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी तक मतलब जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है ना वो नहीं बना है। अगली बार टाल देते हैं, और मतलब 52 रुपये भी लिए थे हमसे। पैसे भी लिए गए हैं? हाँ, पैसे भी लिए थे 52 रुपये अच्छा, जी। और अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला है? आज के लिए बुलाया था लेकिन अभी तक मैडम ही नहीं आए, तो कुछ लोगों ने संपर्क किया जो डॉक्टर यहाँ पे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि बुधवार को आएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे मतलब अगले सोमवार को आएंगे, मतलब इस तरह से टाल रहे, बराबर काम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, पैसे किसने लिए थे, नाम पता है? जो इधर मतलब फॉर्म, ये मतलब जो इधर जमा होते हैं ना जहाँ पे फॉर्म, उन्होंने बोले था कि 52 रुपये लगता है, उन्होंने लिए थे, ठीक, जिन्होंने फॉर्म मतलब जमा किए थे उन्होंने। ठीक, जी, ये भैया भी आए हैं।